और अब जब सूरत के अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट आया है उसका आया है पूरे देश में खुशी का माहौल है और खास करके पिछड़े वर्ग में जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था उन्हें गाली देने का काम किया था और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे वो नहीं हो पाया है दिस इज आई वुड से स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से यह सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है हमें याद है जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था तो राहुल गांधी गांधी परिवार कांग्रेस के लोग और एक इकोसिस्टम जो कांग्रेस के साथ रहती है इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि यह ट्रायल कोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी ये ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल कोर्ट का पूरा का पूरा जो सिस्टम था कहीं ना कहीं वो बायस था उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने फंसाने की कोशिश की राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था क्या हो गया अगर उसने ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया क्या हो गया अगर पिछड़े वर्ग को उसने चोर कह दिया तो यह इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था कहीं ना कहीं एक साजिश थी वॉज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया और उसके कारण से सूरत के ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार का एक वर्डिक्ट राहुल गांधी के खिलाफ सुनाया और नतीजा रहा कि राहुल गांधी आने वाले समय में इंडिया के पार्लियामेंट से एक तरह से डिस्कालीफाई हुए और वो कानून भी उनके समय बनाया हुआ कानून था मगर आज जब अपीलिएट कोर्ट से जजमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वाज़ नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया दिस इज अ ब्लो ऑन द द ऑफ़ गांधी फैमिली ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से अपीलिएट कोर्ट को भी लगा कि देर इज अ मेरिट जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के खिलाफ ओबीसी समाज के खिलाफ गाली गलोच करने का काम राहुल गांधी और उसके बाद राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया था अपीलिएट कोर्ट कन्विंस होती है कि इसमें मेरिट है जो ट्रायल कोर्ट ने किया था और राहुल गांधी जी के सेंटेंसिंग को कम नहीं किया जा सकता या उसे स्टे नहीं किया जा सकता यह बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के न्यायिक प्रणाली में मधुगन राहुल गांधी जी को सेंटेंसिंग होने के पश्चात पूरे कांग्रेस पार्टी ने एक मोबिलाइजेशन किया था गली गली-गली में नुक्कड़ नुक्कड़ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो राहुल गांधी जी के मोबिलाइजेशन के कारण न्यायपालिका पर ठहर ठहर कर आक्रमण कर रहे थे केवल हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों के माध्यम से दूसरे देशों से हिंदुस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कराने का काम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रह रहे के करा रहे थे एक इकोसिस्टम पूरी की पूरी इंडिया की जुडिशियरी के खिलाफ लग गई थी और आज जब यह जजमेंट आया है मैं कहूंगा दिस इज द विक्ट्री ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया यह साधारण जनता के लिए तो विजय का उत्सव है ही पिछड़े वर्ग के लिए विजय का उत्सव है ही यह न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है क्योंकि जिस न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करके मोबिलाइजेशन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी आज उसी न्यायपालिका ने कहा कि आप कितना भी दबाव या प्रेशर की राजनीति हमारे ऊपर करने की कोशिश कर सकते हैं मगर वी डोंट बकल अंडर प्रेशर आपके प्रेशर टैक्टिक्स के कारण आपके दबाव की राजनीति के कारण न्यायपालिका झुकती नहीं है जो अन्याय है वो अन्याय है इतना ही नहीं आपने देखा था उनके जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के अंदर कई बार के सांसद रहे हैं प्रमोद तिवारी जी वो तो दो कदम आगे निकलकर और कह रहे थे कि ये तो गांधी परिवार के लड़के हैं ये राहुल गांधी केवल साधारण मनुष्य नहीं है ये साधारण हिंदुस्तानी नहीं है ये तो गांधी परिवार का सदस्य है उनके नाम में गांधी लगा हुआ है इसलिए द तो लॉ शुड ट्रीट हिम डिफरेंटली कानून इनको भिन्न करके इनके साथ वर्ताव करना चाहिए था न्यायालय को इस प्रकार दो वर्ष का जेल नहीं सुनाना चाहिए था क्योंकि ये राहुल गांधी हैं ये कोई और होते तो ठीक है भैया तुम दो साल के जेल में जाओ हमें क्या जा रहा है मगर राहुल गांधी हैं इसलिए गांधी परिवार के लिए एक दूसरा मानदंड हो गांधी परिवार के लिए कानून दूसरी परिभाषित तो हो देर शुड बी अ सेपरेट लॉ फॉर द गांधी फैमिली यहां तक डिमांड उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया था प्रमोद तिवारी जी ने किया था यह पब्लिक डोमेन में मौजूद है और आज के इस जजमेंट से एक बात स्पष्ट होता है कि इस देश में संविधान का राज है परिवार का राज नहीं है और किसी भी परिवार के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है उसे अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा ऐसा ट्रीटमेंट किसी भी परिवार के लिए नहीं हो सकता है बंधुगण आज हार दो एंटिटीज़ की हुई है दो ऐसे मानदंड है जिनका हार हुआ है एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली गांधी परिवार के घमंड का आज हार हुआ है और दूसरा ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है गांधी परिवार के डिफेंस में जो उतरता है सड़कों पर उसमें कांग्रेसी तो है ही क्योंकि वो कांग्रेसी तो पार्टी के लोग हैं मगर कुछ बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे देश और विदेश में बैठे हुए हैं जिनको हम इको एक कह सकते हैं जो तुरंत गांधी परिवार के एरोगेंस के डिफेंस में निकल आते हैं कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है यह उचित नहीं है आज ये हार इस इकोसिस्टम का भी है मैं कहूंगा कि आज जो हुआ है राहुल गांधी के साथ जिस समय यह पूरा जजमेंट सूरत के ट्रायल कोर्ट ने सुनाया था उस समय भी सूरत के ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को कोर्ट के परिसर में अपने समक्ष यह मौका दिया था कि राहुल जी अभी भी समय है यदि आप हाथ जोड़ के माफी मांग ओबीसी समाज से कि आपने गलत किया है आपने सही नहीं किया है तो हम विचार करेंगे राहुल जी आपने कहा था मैं तो राहुल गांधी हूं नथिंग कॉल्ड सॉरी इन माई डिक्शनरी हरे राहुल जी कान पकड़ के उठक बैठक करके आपने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी तो आप ये मत बोलिए कि आपकी डिक्शनरी में सॉरी शब्द नहीं है अभी भी मौका है अहंकार को त्यागिए, तजिए अहंकार को और देश के सामने ओबीसी वर्ग से क्षमा याचना करिए कि जो मैंने किया गलत किया मुझे ये नहीं करना चाहिए था धन्यवाद कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है कांग्रेस पार्टी के इस चरित्र के विषय में कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं उनको प्रमोट करना